उस को थोड़ा सा करेंगे, से नहीं लेंगे, आ, का ये है, ये अब भी आया है आपको दिख रहा होगा सितंबर का ही इश्यू है स्टूडेंट जर्नल के अंदर उन्होंने टिप्स दी है कैसे आप कुछ चीजों पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं इंटर और फाउंडेशन वाले फॉर सितंबर एग्जाम बिकॉज ये सितंबर का पहला अटेम्प्ट है तो हमने इसको थोड़ा सा पढ़ा इसके अंदर जो की बातें हैं ओके okay, वो हम आज डिस्कस करेंगे ताकि वो टॉपिक हमसे छूट ना जाए कभी कभी आईसीआई हिंट दे देता है कि हम ये ये पूछने वाले हैं ठीक है तो ये हमारा इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है हमें अभी भी लगता है और हमेशा लगेगा कि सीए एग्जाम में हर चीज इंपॉर्टेंट है बट इन चीजों को आप में भी पांच की जगह छह बार पढ़ सकते हो ठीक है लेट्स स्टार्ट अब हम देखते हैं हमारा किस है? तो पेज नंबर नाइनटीन के पहले होगा ये तो फाउंडेशन है फाउंडेशन है फाउंडेशन है चलो तो ऑडिट से बात करते हैं इधर ऑडिट का वेटेज दिया हुआ है ओके ये कुछ खास नहीं है ओके इन्होंने क्या है नौ सेक्शंस में डिवाइड किया है ये लिखा है एंटायर सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू टू इलेवन चैप्टर और सेक्शन वाइज मॉड्यूल से देख सकते हैं कुछ खास नहीं है अब चैप्टर वन में क्या लिखा है कुछ भी नहीं दिया है अंडरस्टैंड करो आप पर्पस ऑब्जेक्टिव रिलेशनशिप ऑफ ऑडिट विद अदर डिसिप्लिन मतलब ये कुछ नहीं है सिलेबस का नाम लिखा है तो इधर आपने टाइम पास किया है आगे लर्न द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट प्लानिंग डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान और प्रोग्राम कैसे बनता है ठीक है ये भी इजी है हाउ प्लानिंग इज डन और इथिकल कंसिडरेशन तो इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखता है मुझे ओके okay, सेकेंड के अंदर प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट प्लानिंग में दो स्टेज है प्लानिंग और प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट

इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल पे फोकस करना ऐसा उन्होंने बोला है तो ऑनलाइन कर देंगे ये वाला पार्ट ठीक है आगे बढ़ेंगे मैं लिख भी सकता हूं कि ऑनलाइन कर रहा हूं तो आप अपने हिसाब से समझ जाना चैप्टर फोर पे आ जाइए ऑडिट एविडेंस लर्न द प्रोसीजर फॉर ऑप्टेनिंग एविडेंस ठीक है भाई ये तो प्रोसीजर आपको पता ही है ए रियो वाली टेक्निक है एनालिटिकल प्रोसीजर एक्सटर्नल कंफॉर्मेशन रिपरफॉर्मेंस रिकेल्कुलेशन इंक्वायरी इंस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन ठीक है भाई इट ऑडिट प्रोसीजर फॉर बैलेंस शीट आइटम ठीक है ये तो कुछ खास नहीं है सिक्स डॉक्यूमेंटेशन ओनरशिप एंड कस्टडी ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इधर से एक सवाल आ सकता है वो बोल रहे हैं ओके okay, तो ये आप जरूर पढ़ना कंप्लीशन मेमोरेंडम पढ़ना और ओनरशिप एंड कस्टडी ऑफ डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन ऑडिटर की प्रॉपर्टी है चाहे तो वो शेयर करेगा बट कोई हिसाब से उसका इंडिपेंडेंस अफेक्ट नहीं होना चाहिए याद होगा आपको कंप्लीशन एंड रिव्यू अब इधर से वो चालू कर रहे हैं फोकस ऑन ऑडिटर्स ऑब्लिगेशन रिगार्डिंग सब्सिक्वेंट इवेंट ऑडिटर की क्या जवाबदारी है तो वो चार पॉइंट है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के वो इंपॉर्टेंट है सब इवेंट के अंदर सेम गोइंग में ऑडिटर की क्या जवाबदारी है तो अगर गोइंग कंसर्न पे डाउट होता है तो मिटिगेटिंग फैक्टर्स चेक करना वो भी आ सकता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ो और डीसीडब्ल्यू जी वाला भी पढ़ो ठीक है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एक्सप्लेन व्हेन टू यूज की मैटर ठीक है ये तो प्रैक्टिकल चैप्टर आपको आएगा सीएनएजी देखो चैप्टर नाइन में बहुत लोग बोलते सर इंपॉर्टेंट क्या है बहुत बड़ा चैप्टर है इंपॉर्टेंट तो नहीं पता बट ये तो जरूर पढ़ के जाना रोल ऑफ सी एन ए जी डेफिनेटली आ सकता है इन गवर्नमेंट ऑडिट एंड स्पेसिफिक लीगल फ्रेमवर्क फॉर गाइडिंग ऑडिट ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ओके लीगल फ्रेमवर्क आ सकता है लीगल फ्रेमवर्क व्हाट डू यू मीन बाय लीगल फ्रेमवर्क ओके कौन से कौन से लॉ एप्लीकेबल है जो स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन पोर्शन होता है वो वाला ऑडिट ऑफ बैंक पे आ जाइए आप

थ्रेड टू इंडिपेंडेंस क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स फॉर ऑडिट फॉर्म तो इस पर भी ध्यान दे रहा है ठीक है तो थोड़ा थोड़ा टिप्स दिया है यही एक क्वेश्चन क्या पता आप यही पेपर में पूछा है कि नहीं ये नहीं पता बट वो लोग तो बोल रहे हैं इस पर फोकस करना ठीक है एफ एम पे आ जाइए आप एफ एम किधर दिया है भाई ये रहा चैप्टर और टॉपिक स्पेसिफिक सजेशन क्लियरली सजेशन आईसीआई के हैं तो आप समझना ये हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है उनका है कॉस्ट ऑफ कैपिटल हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर डेट इक्विटी प्रेफरेंस ये सब आपको पता होना चाहिए ठीक है भाई उसके बाद फाइनेंसिंग डिसीजन कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर ओके okay, उनको लग रहा है कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी खूब इंपॉर्टेंट है इनडिफरेंस पॉइंट निकालना भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो दो चीजों पे फोकस कर रहे है। इन डिफरेंस पॉइंट और अलग अलग थियरी जो है ट्रेडिशनल थियरी नेट ऑपरेटिंग इनकम नेट इनकम अप्रोच इसका अलग लेक्चर अपलोडेड है मैराथन के अंदर ओके कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी बहुत ब्रिलियंट पढ़ाया है डेफिनेटली उससे सवाल आएगा आईसीआई भी बोल रहा है काफी लोगों को वो नहीं आता इसलिए बता रहा हूं लेवरेज इंक्रीज और डिक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स से रिस्क कैसे चेंज होता है तो वो वाले तो खूब समय एवरेज के अंदर ठीक है इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेसिक कॉन्सेप्ट अंडरलाइन दिस डिसीजन इज इन्वेस्टिंग इन एसेट विल प्रोवाइड ग्रेटर रिटर्न मिनिमम रेट ये है इतना तो आना ही चाहिए उससे ज्यादा कौन देगा ठीक है वर्किंग कैपिटल के अंदर वो क्या बोल बोलना स्टूडेंट नीड टू कंसीडर देखो इन दिस चैप्टर दे देपअल क्लैरिटी व्हेन वी आर डीलिंग विद रिसीवेबल तो जब हम डेटर मैनेजमेंट करते हैं आपको क्लैरिटी नहीं होती मतलब वो बोल रहे हैं इसके अंदर चार पार्ट है ना वर्किंग कैपिटल से हमें कुछ नहीं पूछना बराबर कैश मैनेजमेंट भी दिया हुआ है बट रिसीवेबल में आपको क्लैरिटी नहीं होती तो रिसीवेबल का पार्ट आपको करना है उसके अंदर फैक्टरिंग वाला है तो करना है ओके रिसीवेबल में डेटर्स वैल्यू डेट वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया तो, तो टोटल कॉस्ट नहीं दिया तो सेल बट जब फैक्टरिंग है तो कंपलसरी सेल आप रिवीजन लेक्चर देखिएगा नहीं समझ में आ रहा तो सब कुछ अपलोडेड है कैश डिस्काउंट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल वापिस वही बोल रहे बार बार ठीक है भाई मतलब रिसीवेबल से पूछने की इच्छा लग रही है उनकी ऐसा मुझे लग रहा है आई डोंट नो आएगा कि नहीं एस पे आ जाइए फोकस ऑन बेसिक वॉट इज एस एम वाई एस एम इज इंपॉर्टेंट मतलब वाई एस एम इज इंपॉर्टेंट का मतलब ठीक है चैप्टर टू में ओके okay, दो चीजें तो बिल्कुल मत भूलना पेस्टले और पोर्टर ये दोनों हमारे फेवरेट है चाहो तो भी भूल ना सके पेस्टले आंखों में आंखें डाल पेस्टले पी फॉर पॉलिटिकल ई फॉर इकोनॉमिक बस कंट्रोल चैप्टर थ्री के अंदर स्वॉट एनालिसिस पढ़िएगा स्वॉट तो सबसे अनइंपॉर्टेंट टॉपिक है पता नहीं क्यों बता रहे कोर कॉम्पिटेंसी पढ़िए और कॉम्पिटेटिव एडवांटेज पढ़िए तो तीन चीजें आपको पढ़नी है खास स्वॉट कोर कॉम्पिटेंसी कॉम्पिटेटिव एडवांटेज कोर कॉम्पिटेंसी और कॉम्पिटेटिव एडवांटेज से सवाल आ सकता है उनका हिंट है इशारे ही काफी है खाली यही पढ़ के जाऊं तो आप फेल हूं। बट इधर से 20 मार्क का भी आ गया तो अच्छा है ना भाई यूज मॉडल सचेस बीसीजी एंड एनसॉफ्ट मॉडल आपको यूज करना है ठीक है भाई तो चैप्टर फोर में आप बीसीजी और एनसॉफ्ट जरूर पढ़िएगा ये तो वैसे भी हमें आता है

ये था हमारी साइट से कुछ भी अपडेट आता है तो हम आते रहते हैं पसंद आए वीडियो तो लाइक करना ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये टिप्स पहुंच सके चैनल में नए हो बिना सब्सक्राइब किए जाना अलाउड ही नहीं है ठीक है थैंक यू सो सो मच टेक केयर और पढ़ाई करते रहिए एग्जाम आ ही गई